क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाएगा कल जब पाकिस्तान दोबारा न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चों से हारा तो अब ये खबर आ रही है कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी से हटाकर कोई नया कैप्टन आने वाला है पाकिस्तान की टीम का इस दफा सर फाड़ेंगे इनको हारने दो तो सराकर इस दफा ये लोग हारे अबे इंडिया की टीम देख रहे हो किस तरह वो आईपीएल में चुन चुन के बंदे निकाल रहा ट्रेनिंग इनकी हुई है वो क्रिकेटर से होनी चाहिए थी। उनकी किसी और लोगों ने ट्रेनिंग की है जिस वजह से उनकी क्रिकेट डिस्टर्ब हुई है हम लोग अभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते बच्चों से तो जीत लो किसान न्यूजीलैंड की जैसे हम टीम लेकर मजाक उड़ रहा है क्या बाबर आजम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड युगांडा या की स्कूल टीम को लाएगा। करने के लिए जी भैन लेकिन हम लोगों ने जिन लोगों से ट्रेनिंग ली ना, ये सिर्फ उस ट्रेनिंग का असर है है इस टाइम कोई प्लेयर नहीं था पाकिस्तान बेचने के लिए उन्होंने एक पिज्जा बर्गर बेचने वाले को जो है वो बेच दिया वो बर्गर वाले ने हाफ सेंचुरी टोकी है आईपीएल के अंदर हिंदुस्तान के छोटे छोटे यंगस्टर बच्चे जो है ना वो सेंचुरियां हाफ सेंचुरियां मार के जा रहे हैं लेकिन यार बाबर आजम जो है वो तीन मैचेस देखे एक तो चलो बारिश हो गई जो तीन मैचेज हुए टोटल चार हुए एक बारिश से कैंसल हो गया और तीन मैचेस में बाबर आजम ने तीन मैचेस में मिलके पचास रन नहीं बनाए यार कितनी शर्म की बात है तो दोस्तों एक नई न्यूज लेके आया हूं कि कल जब पाकिस्तान दोबारा न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चों से हारा तो अब ये खबर आ रही है कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी से हटाकर कोई नया कैप्टन आने वाला है पाकिस्तान की टीम का अबे भाई क्रिकेट टीम है या फिर जो है हमाम है भाई कोई भी आके नहा के निकल जाता है <laughs> अच्छा मेरे 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 पीछे जो है वो टिकटॉक पे एक ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तान के लोग वो बोले ये पठान बड़ा शैतान का बच्चा है अब सालों कहते हैं हमारी न्यूज सारी हिंदुस्तान को दे देता है <laughs> अबे बैठ के टको हार तुम लोग रहे शैतान के बच्चे हमें <laughs> निकमो बच्चों से तो जीत लो सालो और एक तो ये न्यूज है दोस्तों कि बाबर आजम अब कैप्टनसी से वर्ल्ड कप में नहीं रहेगा कैप्टन पहले बड़े खुश हो रहे थे बाबर आजम फॉर्म में दोबारा उसको कैप्टन बना दिया शाइन शाह प्रीति को लात मार दिया अब दोस्तों दोबारा बाबर आजम को हटाने की नौबत आ चुकी है अब एक नया कैप्टन आपको मिलेगा ये नाम अभी तक सामने नहीं आया कि कैप्टन कौन होंगे लेकिन बाबर आजम को कैप्टनशीप से दोबारा हटा रहे हैं एक न्यूज साथ में और है कि कल जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से जीती न्यूजीलैंड की टीम का एक बंदा है जो स्टार्टिंग में उसने हाफ सेंचुरी मारी है जिसका नाम है रॉबिनसन क्या है यह सुनने में आ रहा है कि उसकी जो है न्यूजीलैंड में बर्गर की दुकान है <laughs> यानी कि बर्गर की दुकान का मकसद ये नहीं कि वो बर्गर की दुकान है तो क्या हुआ नहीं वो खुद बर्गर बेचने वाला है यानी कि न्यूजीलैंड के पास इस टाइम कोई प्लेयर नहीं था पाकिस्तान बेचने के लिए उन्होंने एक पिज्जा बर्गर बेचने वाले को जो है वो बेच दिया वो बर्गर वाले ने हाफ सेंचुरी टोकी है <laughs> भाई ये बड़ी गजब की न्यूज है ये बातें वहां पर हो रही है देखिए जब ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी पाकिस्तान के लोग न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर ट्विटर पर जाकर इंग्लिश में ट्वीट कर रहे थे कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम कभी अपनी बी टीम या सी टीम पाकिस्तान नहीं भेजोगे इतनी बुरी तरीके से तुम्हें हराएंगे क्योंकि केन विलियमसन बोल्ट और पता नहीं कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो सब जो है आईपीएल में खेल रहे हैं तुम लोग वो नहीं भेज रहे हो और अपने बच्चों को भेज रहे हो हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ऐसा शिकस्त देंगे कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे दोस्तों जाके देखिए इस सीरीज से जो है वो दो हफ्ते पहले जो भी ऑफिशियल पेज पे उनका न्यूजीलैंड वालों का जो ट्वीट है उस पर जाके देखिए पाकिस्तानी कितने ट्वीट किया अब रिसेंटली उन्हीं ट्वीट का रिप्लाई जो है न्यूजीलैंड की तरफ से ये आ रहा है सबसे सब पहले तो उनको उनके कोच ने कहा कि हमारी सी टीम हो या जेड टीम हो उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की एक टीम को हरा सके ये बहुत बड़ी शर्म की बात है बहुत आएगी किसको <laughs> शर्म का पुड़ जाए दी है साला और दूसरी जो लोग हैं पे वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि बर्गर वाले ने हाफ सेंचुरी ठोकी है शाइनों को <laughs> भाई सॉरी आरसीबी वालों आप लोगों की जीत की वीडियो नहीं बना सका भाई पाकिस्तान के हारने के बाद ना कोई ना आईपीएल देखता है भाई किसी की शादी भी हो ना वो वो भी छोड़ के आके बैठ जाता है पाकिस्तान हार गया <laughs> यार एनीवे anyway दोस्तों इस वर्ल्ड कप में बहुत मजा आने वाला है और एक सेड न्यूज़ भी है देखें क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान वाकई में इनकी टीम बहुत टट्टी हो चुकी है इस टाइम पाकिस्तान की टीम की हालत दोस्तों ऐसी है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा देश हो जिसकी आज तक क्रिकेट टीम ना हो या क्वालिफाई नहीं कर पाई हो अगर वो उनका भी सामना पाकिस्तान से हो जाए ना तो तब भी जाके पाकिस्तान की टीम को ठोक देखिए मोहम्मद आमिर को लेके पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था हम भी खुश हो रहे थे मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है मोहम्मद आमिर से विकेट नहीं ली लास्ट तक मोहम्मद आमिर ने विकेट नहीं ली यह हालत है और बाबर आजम तो भाई पांच रन बना के आउट हुआ ये बाबर आजम देखिए यार ये चीज समझ में नहीं आती विराट कोहली आईपीएल में सिर्फ विराट कोहली की हम बात नहीं करते विराट कोहली के चप्पल के बराबर भी नहीं है भाई बाबर आजम आईपीएल के अंदर हिंदुस्तान के छोटे छोटे यंगस्टर बच्चे जो है ना वो सेंचुरियां हाफ सेंचुरियां मार के जा रहे हैं लेकिन यार बाबर आजम जो है वो तीन मैचेस देखे एक तो चलो बारिश हो गई जो तीन मैचेस हुए टोटल चार हुए एक बारिश से कैंसिल हो गया और तीन मैचेस में बाबर आजम ने तीन मैचेस में मिलके पचास रन नहीं बनाए यार कितनी शर्म की बात है अगर ये ए टीम होती ना तो बंदा बोलता रहा बाबर आजम की तो पुरानी आदत है भाई वो कभी भी जो है आउट हो जाते दस से ज्यादा रन बाबर आजम से नहीं बनते ये बहुत भाई क्या अजूबा होता है जब बाबर आजम पचास रन बना लेते हैं वो पचास रन भी ऐसे बनाते हैं कि बाबर आजम को गड्ढा फर्क नहीं पड़ा कितनी बॉले जाया कर रहा हूं टी है या फिर टेस्ट मैच है वो अगर एक बार वो आ गया ना कि मेरे को हाफ सेंचुरी करनी है बाय बाय 120 बोलो में से अगर उसको 60 70 बोले भी हो जाए तो वो अपनी सेंचुरी हाफ सेंचुरी पूरी करके जाएगा लेकिन अगर हाफ सेंचुरी का मूड ना होना उसका तो फिर वो बंदा 10 से ज्यादा रन नहीं पता बाय रिकॉर्ड जाके देख तो अफगानिस्तान के साथ जब भी ये खेला है ना इस साला, ये जीरो पे आउट हुआ है तीन बार मुसल कंटिन्यू अफगानिस्तान ने इसको जीरो पे आउट किया रही बात हिंदुस्तान के आगे तो इसकी औकात ही नहीं है टिकने की मेरे भाई पुस्किया ही निकल जाती है इसकी और अब जाके देखो कि बर्गर वालों से जाके हार रहे <laughs> अब मेरे को लगता है कि नया जो है वो कैप्टन पाकिस्तान का कौन होगा ये बातें जो है दोस्तों ये बात बाहर आई है और सिर्फ स्पेशली पाकिस्तान के उन क्रिकेट फैंस को ये बोलना चाहता हूं कि भाई भाई मेरे को गाली देने से क्या फायदा भाई। बड़ा शैतान का बच्चा कोई भी न्यूज उठा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान वालों का बच्चे <laughs> जब तुम लोग हार रहे हो तो हम छुप रहेंगे क्या विराट कोहली के एक मैच में पंद्रह रन बनाकर जब वो आउट हुआ था तैतीस का स्ट्राइक रेट था उनका पूरा पाकिस्तान यानी कि इनके इनके ऐसे ऐसे बॉलर्स थे जो ऑफिशियल पेजेस पे विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे अपने ट्विटर अकाउंट पे देखे नॉर्मल फैंस ट्रोल करे कोई दिक्कत नहीं है भाई इनके क्रिकेटर जो एक्स प्लेयर हैं वो जाकर ट्रोल कर रहे थे विराट कोहली को कि 33 का स्ट्राइक रेट लेके आउट हुआ लेकिन विराट कोहली अच्छे फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं आईपीएल में अगर उसकी टीम नहीं जीती तो उनको विराट कोहली से क्या लेना देना अब 11 बंदे खेल रहे हैं भाई 10 बंदे नहीं खेल पा रहे विराट कोहली अकेला थोड़ी बना सकता तीन सौ रन बना के भाई मैंने जाना है बॉलिंग भी मैंने करनी है सब कुछ फील्डिंग भी मैंने करनी है सब कुछ मैंने करना है लेकिन क्या करे पाक अब अगर हम पाकिस्तान पे बोले तो बोलते ये बड़े शराब शैतान के बच्चे हम नहीं तुम लोग <laughs> सालों दिक्कत हो शर्म कर लो